अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया बड़े आसान तरीके से, बड़ा ही आसान वे था, बच्चों वाले तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैसे 5वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को समझाया जाता है, वैसे ही आपको मैंने समझाया। अब हम करने जा रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही आसान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने इसको रैशनलाइज ही करना है। क्वेश्चन में सिर्फ उसने कहा है कि सिंपलीफाई करें। जब सिंपलीफाई की बात करता है तो अपने माइंड में एक सवाल उठता है कि हम जिस जैसे मर्जी करें, सो करना क्या है, तो हमने तो अपनी मर्जी करनी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज किया जाएगा। तो रैशनलाइज करने के लिए एक दफ़ा सारे का सारा हम वैसे लिख लेते हैं, जैसे लिखा है सेम। ये अब देखिए इधर माइनस है, तो सिंपल हम रैशनलाइज करने के लिए इसके दरमियान जो प्लस बना लेंगे, ए स्केयर प्लस 2 प्लस ए स्केयर माइनस 2। इसी तरह जो ऊपर लिखा वही नीचे इसके वैसे सेम छाप देंगे। ये अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करवाएं तो लिखें इसको जी, फर्स्ट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, फर्स्ट को फर्स्ट किया तो हमारे पास आ गया ए स्केयर प्लस 2 पावर 2। और फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से करें तो हमारे पास जो सिनेरियो बनता है वो बनता है ए स्केयर प्लस 2 और इनटू ए स्केयर माइनस 2। सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया ए स्केयर माइनस 2 और ए स्केयर प्लस 2। और लास्ट वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई, दोनों सेम है तो अगर सेम है तो इनकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। ये नीचे वाला देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सीन बन रहा है, तो हमने क्या सिंपल क्या करना है, फर्स्ट वाले को लिखना है उसका स्केयर कर लेना है इस तरह से, और सेकंड वाले को लिखना है उसका स्केयर कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट ये हमारे पास 2 स्केयर रूट से कट गया तो हमारे पास रह गया ए स्केयर 2। इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं अंदर 2 और ए स्केयर माइनस 2 वैसे लिख लिया, और ये हमारे पास है इसको भी ऐसे दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। और लास्ट वाला जो इससे कट गया तो हमारे पास आ गया ए स्केयर माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका एट द एंड सोल्यूशन आया। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, स्केयर स्केयर रूट से कट जाता है ना, तो ए स्केयर माइनस 2 माइनस इंटू ए स्केयर माइनस 2, सॉरी ये इधर इसमें प्लस आ रहा है, ये प्लस आ जाएगा, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्केयर इधर भी है, ए स्केयर इधर भी है, ऐड हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 2 ए स्केयर 2, इधर भी है 2, अब ये प्लस का माइनस का 2 काट गया, तो इधर हमारे पास जो सिनेरियो बना वो कुछ इस तरह का है, ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर माइनस 2, ए माइनस बी प्लस बी वाला फार्मूला, तो वो हमारे पास क्या होता है ए स्केयर होल पावर 2 और माइनस सेकेंड होल पावर 2। इसी तरह इसको भी देखा हमने, हमारे पास आया फर्स्ट स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, और वो उधर सॉल्व हो गया, तो नीचे हमारे पास आ गया ए स्केयर प्लस 2 और ये माइनस ए स्केयर प्लस 2, ये माइनस वाला माइनस से काट गया तो ऊपर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इधर आया शुरू में 2 ए स्केयर, और ये हमारे पास ए स्केयर क्या हो गया ए 4 माइनस 4 प्लस, ये भी ए 4 माइनस 4, सॉल्व कर लिया। नीचे हमारे पास देखे 2 ए स्केयर और ए प्लस का ए स्केयर और माइनस का काट गया, पीछे 2 2 और 4 बन गया, तो इधर हमारे पास आ गया 2 ए स्केयर, दोनों एक जैसे तो इसको लिख सकते हैं 2 ए 4 माइनस 4 और नीचे 4, दोनों में कुछ कॉमन आया वो है 2, तो ए स्केयर प्लस ए 4 और 4 और नीचे आ गया 4, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया ए स्केयर ए 4 4 ओवर 2, तुम्हारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी। अब हमारे पास है जी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, तो वो हमारे पास है 1 ओवर a माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 1 ओवर a प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास आंसर इसका है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सिंपल हमने करना क्या है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका एलसीएम लिया जा सकता है। जब इसका एलसीएम लिया जाता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या इसका एक और भी मेथड है इस तरह से ज़रा टफ हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, को रैशनलाइज करना चाहते हैं तो इधर माइनस है तो वो प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, इधर भी करवा लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास है तो ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे तो ये प्लस में है तो इसको माइनस के साथ करवा लेते हैं ये, ये इसके से मल्टीप्लाई एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ए माइनस दिस ए प्लस दिस, तो इसमें मतलब होता है ए माइनस बी और ए बी प्लस बी वाला फार्मूला है तो वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर लेंगे और इसी तरह इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास ये प्लस में है ये माइनस में है तो वो ए ए ए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला है तो वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा सॉरी ये इधर कुछ ज़्यादा हो गया, ए स्क्वेयर और दिस ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट वाले का स्क्वेयर माइनस सेकंड वाला जो है वो है ए स्क्वेयर माइनस एक्स इसका स्क्वेयर। तो मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर ही आ जाएगा, ये इससे काट जाएगा तो हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और मजीद ये देखें ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये इससे काट गया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक हो गया। मजीद इसको सिंपलीफाई करते हुए हमारे पास आ गया ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास आ गया ये ए स्क्वेयर वैसे लिख लेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन हो गई तो हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा माइनस ए माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई इसको माइनस कर दे और इसको प्लस कर देगा तो ये आ गया ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इससे काट गया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर, ये इससे काट गया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें एक्स के इधर मिले इधर मिल रहा है इसको डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम कर लेंगे तो हमारे पास आ गया ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इस पर डिवाइड किया आंसर 1 तो हमारे पास ये आ गया ए माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ये प्लस तो हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर, ये प्लस माइनस काट गया ये दोनों एक जैसे तो इनको डबल करके लिख लिया इस तरह से एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास आ गया इसका एक्स स्क्वेयर, तो ये बस आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी हो गया, करना कुछ भी नहीं था इसमें, करना ये रेट देन आंसर जो आया उसको देखा हमने वो सिंपलीफाई कैसे हुआ, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वेयर रूट नहीं है। तो हमारा यही मिशन था, हमारी यही कोशिश थी, हमारा यही टास्क था, हमारी मंजिल हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी हो गया, आज हमारा जो चैप्टर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया, बड़े आसान वे में मैंने समझाया। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज करवाई डेफिनेशन करवाई, किसी में किसी किस्म का इशू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।